गांव फतेहाबाद के संगतपुरा निवासी गांव में बने छप्पर से बेहद तंग आ चुके हैं। वजह है इस छप्पर की कई वर्षों से सफाई नहीं हुई है, जिसके कारण छप्पर का गंदा पानी लोगों के घरों में घुस रहा है। वे लोग बीमारियों का शिकार भी हो रहे हैं। इस संबंध में गाँव वासियों ने बताया कि भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद से जब से वह फतेहाबाद गांव में रह रहे हैं, तब से लेकर आज तक इस छप्पर की सफाई नहीं हुई। छप्पर का कीचड़ युक्त गंदा पानी उनके घरों में आ रहा है। कचरे से दिन रात बदबू फैली रहती है, जिसके कारण उनकी ज़िंदगी नरक बनकर रह गई है। बार बार गांव के सरपंच व जिला प्रशासन से गुहार लगाने के बावजूद भी कोई भी इस छप्पर की सफाई की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। लोगों का कहना है कि यदि प्रशासन ने इस शहर की सफाई शीघ्र ना करवाई तो वह संघर्ष करने को मजबूर होंगे। दूसरी तरफ जिला पंचायत विकास अधिकारी जगजीत सिंह का कहना है कि छप्पर की सफाई का मामला उनके ध्यान में नहीं था। यदि गांव की पंचायत प्रस्ताव पारित कर उन्हें छप्पर की सफाई के लिए निवेदन करती है तो वे नरेगा या अन्य स्कीम के माध्यम से शीघ्र ही छप्पर की सफाई करवा देंगे। भिखीविंड से जार टीवी न्यूज के लिए भूपेंद्र सिंह की रिपोर्ट। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਥਾਈ ਜਾ ਵੇਖਿਆ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਗਰ ਵੀ ਗਏ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਥੇਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤਾਈਂ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਫਿਸ਼ਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਚਾਇਤ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਤਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ, ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਨਰੇਗਾ ਸਟਾਫ ਤੋਂ ਜਾਂ ਨਰੇਗਾ ਦੀ ਲੇਬਰ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਛੱਪ।